हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारिम्स बर्ड्सोटिक। मेरा नाम है मोहम्मद अवेस। आज के इस वीडियो में हमारे पास जो आप सेल के लिए हम वो बताने वाले हैं। हमारे पास में ये दो बर्ड सेल के लिए है। ये पैर है, आप देख सकते हो दोनों बर्ड भी टेम है एकदम, ठीक है। मैं भी इनको नीचे बिठा देता हूँ और आपको इनकी डिटेल्स शेयर करता हूँ। इस बर्ड के अंदर इस वीडियो के अंदर हम से अपने दो बर्ड्स के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं। एक है ब्लू चिक कॉर्नियल, एक है येलो साइडेड कॉर्नियल। ब्लू चिक कॉर्नियल जो है वो फीमेल है और येलो साइडेड कॉर्नियल जो है वो मेल है। दोनों जो बर्ड्स हैं वो एक ग्रीन चिक कॉर्नियल के म्यूटेशन है। ये दोनों बर्ड्स अडल्ट है ऑलमोस्ट। जो ब्लू चिक कॉर्नियल फीमेल जो है उसका एज है अराउंड 1 ईयर और येलो साइडेड कॉर्नियल जो है वो मेल है, इसका एज है अराउंड 10 मंथ्स। ये दोनों अलग अलग ब्लड लाइन के है, मतलब दोनों के पेरेंट्स अलग है। तो जिसको अगर ब्रीडिंग पर्पस के लिए चाहिए तो उनके लिए भी ये बर्ड्स बहुत अच्छे हैं, और जिसको एज अ टेम घर में पेट्स रखना है, एज अ पेट रखना है, उनके लिए भी ये बर्ड बहुत अच्छे हैं। दोनों के बारे में एज अ पेट कैसे होते हैं उस पर वीडियो मैंने बना चुका है। मैं दोनों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ब्लू चिक कॉर्नियल और येलो साइडेड कॉर्नियल। आप देख सकते हैं दोनों का भी कलर कितना ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा कलर है, क्लीन बर्ड है। और इसके डाइट के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इनका जो हम डाइट फॉलो करते हैं उसमें हम स्प्राउट्स देते हैं, फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल देते हैं, पैलेट्स देते हैं। हमने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है कॉर्नियल्स के डाइट के बारे में, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको उसके डाइट के बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब इसके एज के बारे में बता दिया, अब मैं थोड़ा सा इनका डिटेल सी भी बता देता हूं इनके कलर के बारे में। आप देख सकते हो येलो साइडेड का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है, चेस्ट पे नीचे साइड पे जो है रेडिश कलर होता है, और साइड में विंग्स के पास में येलो कलर होता है, और हेड ग्रे कलर का होता है। और ब्लू चिक कॉर्नियल को हम टर्कोइस कॉर्नियल भी कहते हैं, उसका जो कलर होता है ब्लू होता है, टेल का कलर जो होता है ग्रे होता है, और हेड के पास जो होता है उनके डार्क ग्रेश टाइप में कलर होता है, और चेस्ट भी ग्रे कलर का होता है। अब इनका जो लाइफ स्पेन होता है इट इज अराउंड 20 ईयर्स ऑन एन एवरेज इन कैप्टिव। 20 साल का लाइफ स्पेन होता है इनका कैप्टिव के अंदर। आपको अगर इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए ये एज अ पेट कैसे होते हैं, तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा आप उसमें चेक कर सकते हो। ये बर्ड अवेलेबल है नाला सुपारा में, विच इज अराउंड 50 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई, 50 किलोमीटर के मुंबई के से डिस्टेंस पे है ये बर्ड। मुंबई में ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है, एक्स्ट्रा एडिशनल कॉस्ट पे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है विद इन मुंबई। इसका जो कॉस्ट है इट इज 14,000 रुपीज, 14,000 रुपया कॉस्ट है ये पैर का, और ये पैर में ही सेल करना है, अलग अलग नहीं सेल करना है, बिकॉज ये ऑलरेडी सेट बर्ड है, सेट पैर है, तो दोनों एक साथ में बॉन्डेड है, तो इसके लिए हमें अलग अलग सेल नहीं करना है। तो अगर किसी को भी ये बर्ड लेने में इंटरेस्ट है तो वो मुझे कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, मेरा जो नंबर होगा डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप मुझे कॉल करिए। कॉल और व्हाट्सएप तो आप कभी भी कर सकते हो। कॉल करने का जो टाइमिंग है इट इज फ्रॉम 11 to 8, सुबह 11 से शाम में 8 बजे के बीच में आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको ये बर्ड लेने में इंटरेस्ट है तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे गाइस।